आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। कोरोना की चौथी लहर की चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार किया। राज्य में 7 अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज। हिंदू यात्रा उत्सव के दौरान मुस्लिमों को व्यापार करने पर प्रतिबंध की मांग। हिस्कॉम ने दिन के दौरान बिजली आपूर्ति शुरू करने से मिली राहत। तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर पर लगाया गया गर्डर। जड़े दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है, साथ ही पाबंदियां भी हटा दी गई है। हालांकि चौथी लहर को लेकर आशंका बनी हुई है। आईआईटी कानपुर ने बताया है कि जून के अंत तक भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। इस पृष्ठभूमि में दिल्ली कोविड टास्क फोर्स के सदस्य और ILBS के निर्देशक डॉक्टर एस के सरी ने एक बहुत महत्वपूर्ण राय बताई है। क्या देश में चौथी लहर आएगी? लहर आएगी तो कब आएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। हमें इस लहर का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा सरीन ने कहा। सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वायरस अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा, अगर पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए तो वायरस को हराया जा सकता है, लेकिन अगर हम कमज़ोर होंगे तो वायरस नए सिरे से फैलेगा। सरीन ने कहा कि अगर देश में कोरोना का एक नया रूप पेश किया जाता है तो स्थिति फिर से बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार किया। कुछ दिन पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के बेंच ने हिजाब मामले के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी के तहत हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, वहां भी हिजाब समर्थकों में मायूसी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग करने वालों को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि यह उचित समय पर होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से यह भी कहा है कि हिजाब विवाद का परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने हिजाब मामले पर फैसला सुनाया था, जो पूरे देश में कोहराम मचा रहा था। अदालत ने फैसला सुनाया था कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद विवाद अभी भी कायम है, छात्र हिजाब पर अड़े हैं। हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को अब वाइस स्तरीय सुरक्षा दी गई है। राज्य में 7 अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज। फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी और पदोन्नति पाने वाले प्रदेश के 7 अधिकारियों को प्रशासन ने जोरदार टक्कर दी है। ऐसे 7 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन्हें भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने गुरुवार को इस आदेश की घोषणा की। इन अधिकारियों की नियुक्ति के समय उनकी साख की ठीक से जाँच नहीं की गई और उन्हें वरिष्ठता का अवसर दिया गया। हालांकि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उससे पूछताछ की जा रही थी। RTI के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार ब्यौरा उपलब्ध कराया गया। मंत्री नारायण गौड़ा ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने जांच की और पाया कि 7 अधिकारियों ने फर्जी प्रमाण पत्र जमा करके नौकरी और पदोन्नति प्राप्त की थी। उन्हें तत्काल सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया गया है। हिंदू यात्रा उत्सव के दौरान मुस्लिमों को व्यापार करने पर प्रतिबंध की मांग। हिंदू मंदिरों के विभिन्न तीर्थ उत्सव अब शुरू हो रहे हैं। श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने चेतावनी दी है कि तीर्थ यात्रा के दौरान मुस्लिम व्यापारियों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अन्यथा दुकानें हटा दी जाएंगी। हिजाब का मुद्दा राज्य भर के कुछ मुसलमानों ने अशांति पैदा करने के लिए रचा है। प्रदेश के कई जिलों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दहशत फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। वो राज्य उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को भी तैयार नहीं है।
हैं, इसलिए उन्होंने इस फैसले के खिलाफ राज्य में कर्नाटक बंद का आह्वान करने का साहस किया। हालांकि यह अदालत की अवमानना का एक रूप है और हिंदुओं को इसे अवगत होने की आवश्यकता है। इसके लिए अलग अलग जगहों के मंदिरों में तीर्थयात्रा में दुकानें लगाकर कारोबार करने वाले व्यापारियों को सबक सिखाना जरूरी है। इसके लिए श्रीराम सेना के जरिए चेतावनी दी गई है। साथ ही सरकारी अधिकारी उचित निर्णय ले और इस संबंध में कदम उठाए, अन्यथा श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ऐसी उन्होंने चेतावनी दी। हेस्कॉम ने दिन के दौरान बिजली आपूर्ति शुरू करने से मिली राहत। बेलगाम तालुका क्षेत्र के किसानों को दिन में तीन फेज बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर 24 को हेस्कॉम कार्यालय में मोर्चा निकालने का निर्णय लिया था। नतीजतः हेस्कॉम ने सुचारू तीन चरण बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी और नियोजित मोर्चा को स्थगित करने का फैसला किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कॉलेज रोड स्थित कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा की गई। एपीएमसी के पूर्व सदस्य आर के पाटिल ने जानकारी दी। इस संबंध में 14 तारीख को बयान जारी किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए झाड़शाहपुर और किणे फीडरों से प्रतिदिन तीन फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है, इसलिए अभी के लिए मोर्चा स्थगित किया गया है। पूर्व मेयर शिवाजी सुनकर, एपीएमसी के पूर्वाध्यक्ष निंगप्पा जाधव, मोनप्पा पाटिल, पूर्व टीपी सदस्य अन्नासाहेब कीर्तने, मच्छे ग्राम पंचायत पूर्वाध्यक्ष महादेव मंगन्नाकर, ग्राम पंचायत सदस्य विनायक पाटिल, अनिल पाटिल सहित कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे। तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर पर लगाया गया गर्डर। तिलकवाड़ी में तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर पर स्पैन लगाने के लिए गर्डर लगाने का काम बुधवार से शुरू हो गया। बुधवार को एक गर्डर लगाया गया और गुरुवार को दूसरा गर्डर लगाया जाएगा और 26 मार्च से पान ब्रिज की ओर धकलने का काम शुरू होगा। बेलगाम गोवा राज्य को जोड़ने वाले रेलवे गेट फ्लाईओवर का काम 2 साल में पूरा किया जाना था, हालांकि कोरोना ने काम में देरी की। बुधवार से पुल के समानांतर साइड में गर्डर्स लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए करीब 100 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। दिन के समय खानापुर रोड के किनारे गर्डर लगाया गया। इसके लिए 4 बड़े क्रेनों का इस्तेमाल किया गया था। गुरुवार को सिटी साइड गर्डर लगाया जाएगा। ये दोनों गर्डर्स ब्रिज के समानांतर है और इस पर स्पैन रखा जाएगा और इसे गर्डर से ब्रिज तक धकेला जाएगा। स्पैन का वजन लगभग 320 टन है और इसे गर्डर के ऊपर धकेला जाएगा और पुल पर स्थापित किया जाएगा। इस गर्डर को इंजन की सहायता से प्रतिदिन लगभग 1 मीटर की गति से गर्डर पर धकेला जाएगा। फुल स्पैन ब्रिज तक पहुंचने में कम से कम 8 दिन लगेंगे। एक बार पुल के ऊपर स्पैन हो जाने के बाद दोनों बाजू जोड़कर पुल को पूरा कर लिया जाएगा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटक, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243-5777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गुड़ी पड़वा त्यौहार से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस मौके पर धर्मादाय मंत्री शशिकला जोले ने सर्कुलर जारी किया है।
राज्य के हर विभाग द्वारा वर्ष के एक दिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में धर्मार्थ विभाग ने पाड़वा दिनी धार्मिक उत्सव को उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जारी दिशा निर्देश इस प्रकार है। धर्मार्थ विभाग के साथ साथ धार्मिक न्यास अधिनियम के तहत सभी मंदिरों में धार्मिक दिवस मनाया जाना चाहिए। राज्य के विकास के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंदिरों में स्वयंसेवकों और भजन मंडलों के भजन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि राज्य के शिष्टाचार का पालन करते हुए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से चलाया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी पत्रकारों के समन में विधायक राजेश पाटील का सुझाव। चंदगढ़ के विधायक राजेश पाटील ने महाराष्ट्र विधानमंडल को एक उल्लेखनीय सुझाव दिया कि महाराष्ट्र सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी पत्रकारों को तुरंत सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना महाराष्ट्र में पत्रकारों को लाभ प्रदान करती है। शंकरराव चव्हाण स्वर्ण जयंती पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना 1 अगस्त 2009 को हुई थी। हालांकि इस योजना का लाभ केवल अधिकृत पत्रकारों को ही मिलता है और ये अपूर्ण है। पिछले 10 से 12 वर्षों में केवल 258 पत्रकार और उनके परिवार को ही इस योजना का लाभ मिला है। अपने पहुंच का विस्तार करते हुए बेलगाम के सीमावर्ती क्षेत्रों के पत्रकारों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। पिछले 63 वर्षों से मराठी भाषा को जीवित रखने का कार्य सीमावर्ती समाचार पत्रों द्वारा ईमानदारी से किया जाता रहा है। इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी पत्रकारों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। शहीदों की स्मृति को मशाल प्रज्वलित करके नमन। देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देकर शहीद हुए वीर स्वतंत्रता सेनानियों का विभिन्न संगठनों के माध्यम से मशालों से अभिनंदन किया गया। बुधवार शाम धर्मवीर संभाजी चौक पर मशाल जलाई गई, साथ ही देशभक्ति के जज्बे का भी पता चला। इस दौरान मौजूद सदस्य भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। इस वक्त पर विधायक अनिल बेनके, नगर सेवक जयतीर्थ समदत्ती, श्रेयस नाकाड़ी, शिल्पा केकरे, लीना टोपन्नावर सहित भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की महिमा पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने देशभक्ति के आदर्श को विकसित करने की भी अपील की। लोकायुक्त ने अथनी के सरकारी अस्पताल में छापा मारा। लोकायुक्त विभाग में शिकायत की गई है कि अधिकारी 2019-22 तक अथनी के सरकारी अस्पताल में सर्जरी और हिस्टेरेक्टोमी के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। इसे संज्ञान में लेते हुए लोकायुक्त SB यशोदा वंडगुड़ी और DYSP जी रघु के नेतृत्व में एक टीम ने बुधवार को अथनी सरकारी अस्पताल में छापेमारी की। टीम ने शिकायत का पता लगाने की जाँच की, इसलिए चिकित्सा क्षेत्र में एक सनसनी है। लोकायुक्त विभाग ने अथनी सरकारी अस्पताल में सर्जरी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है, इसलिए धड़ासत्र लागू किया गया है। लोकायुक्त SP यशोदा वंडगुड़े और DYSP जी रघु समेत टीम ने बुधवार को करीब 4 घंटे तक मामले की जाँच और दस्तावेजों की जाँच की। उसके बाद आगे की जाँच के लिए एक टीम को तेलंगाना एगली भेजा गया। परिवहन कर्मियों का 28 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का वादा करने के बावजूद सरकार इसे भूल गई है। राज्य परिवहन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बताया कि इसके लिए परिवहन मंत्री के बेल्लारी स्थित आवास के पास 28 मार्च से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन कर्मियों को दिए गए 9 लिखित आश्वासनों में से सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के अनुसार परिवहन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए 3 महीने का समय लिया है। सरकार ने समय पर मांगों को पूरा नहीं किया। परिवहन कर्मचारियों को झूठे मामलों ने सैकड़ों परिवारों को प्रभावित किया है। इसकी जानकारी कई बार परिवहन मंत्री को दी गई मीडिया में। हालांकि उन्होंने घोषणा की कि सभी समस्याओं का समाधान किया गया था। उन्होंने मांग की कि निलंबित कर्मचारियों को फिर से काम पर रखा जाए, हमारे बकाया का भुगतान उन्हें समय पर किया जाए, परिवहन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस के मामलों का निपटारा किया जाए और हमारे 6ठे वेतन आयोग की तरह व्यवहार किया जाए, ऐसी उनकी मांगें हैं। बिल्डर हत्याकांड में कुल 7 लोग गिरफ्तार। वडगांव पुलिस ने बुधवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर बिल्डर की हत्या के लिए हथियारों के चालक बने। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में सागर दुंदया हिरेमठ और सर्वेश संदीप सपकाले है। 3 मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार लोगों की संख्या 7 हो गई है। 3 और भगोड़ों की तलाश की जा रही है। बिल्डर राजू मल्लप्पा दोड्ड बोमनावर ने कथित तौर पर अपने दोस्तों को निर्माण व्यवसाय में निवेश करने के लिए मजबूर कर 10 साल तक परेशान किया था, जिसके बाद 2 भागीदारों और राजू की दूसरी पत्नी ने उसकी हत्या की साजिश बनाई थी। पुलिस ने मंगलवार को 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वडगांव पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नाम बेलगाम से संजय राजपूत और विजय जागृत है। पुतिन की रैली में शामिल ओलंपियन मुश्किल में।
तीन बार के ग्रैंड स्लैम विजेता एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया है। दो महीने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली बार्टी द्वारा अचानक की गई घोषणा से प्रशंसकों और अन्य टेनिस खिलाड़ियों को झटका लगा। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बार्टी ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। चैरिटी कप शतरंज टूर्नामेंट, कार्लसन ने प्रज्ञानानंद को हराया। 5 बार के विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने भारत के ग्रैंड मास्टर आरके प्रज्ञानानंद को हराकर उन्होंने चैरिटी कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ कार्लसन ने पिछले महीने एरता मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में 16 वर्षीय प्रज्ञानानंद की हार की भी भरपाई की। 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट 2 से सेंट पॉल के 2021 बैच के छात्रों ने फादर जैकब कहलो की याद में 2 और 3 अप्रैल को ओपन 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। प्रतियोगिता मराठा मंदिर के पास किकीज एरिना टर्फ ग्राउंड में होगी। प्रतियोगिता के लिए आकर्षक पुरस्कार है। प्रतियोगिता विभिन्न समूह में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।